तो चलिए, यहाँ पे मौसम भी ख़राब है और लोगों का दिमाग भी ख़राब हो रहा है। एंड वाजिब बात है, ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज़ बताने से पहले, शुरू करने से पहले, स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे हमने सबसे पहले तेज़ रफ्तार में, देखो यार होता है ना, कोई एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो वीडियो को बनाना, शूट करना और फिर से उसको पब्लिश अपलोड करना, इट टेक्स और कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। तो तुरंत ही सबसे पहला जो खबर दिया था कि LIC HFL जो एसोसिएट्स है, जो असिस्टेंट है, उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और वो स्टूडेंट फरमाइश ही था, वो मैं खुद ही अपलोड किया था रिजल्ट। एनीवेज आते हैं बात, मुद्दे की बात करते हैं। ये तारीख था दोस्तों 28 फरवरी 2019 का, यानी आज कितना तारीख है, मुझे लगता है कि आज 26 तारीख है, यानी दिसंबर ख़त्म ही होने वाला है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 28 फरवरी 2019 को। आपको पता है क्या हुआ था? FCI अपना रिक्रूटमेंट के लिए जो ग्रेड 3 वाला है, वो असिस्टेंट जनरल ग्रेड 3 वाला और काफ़ी जर्नलिस्ट पोस्ट, काफ़ी कुछ पोस्ट को निकाल के 4103 वैकेंसीज, 4103 वैकेंसीज को लेके वो आप सभी के सामने आया था। और आपको मैं ये भी बताते चलूं कि जून 3, 2019 को प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था और ये एक्चुअली 4 दिन में हुआ था, तो मैं आखिर का दिन बता रहा हूँ शायद, क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन जून 3, 2019 को हुआ था, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था। उसके बाद ये पता नहीं था कि रिजल्ट कब तक आएगा करके, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जुलाई 8, 2019 को प्रीलिम्स रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। गॉट इट? यानी तकरीबन एक महीने का वक्त लग गया था प्रीलिम्स रिजल्ट डिक्लेयर होने में। फिर हुआ क्या दोस्तों, उसी महीने के जुलाई 27 तारीख को, यानी कितने शॉर्ट टाइम आपको मिला था एग्जामिनेशन अपीयर करने के लिए, जुलाई 27 2019 को मेंस एग्जामिनेशन हुआ था। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मेंस एग्जामिनेशन खत्म हो गया है जुलाई 27 को, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब ये दिसंबर भी ख़त्म हो गया, यानी लगभग 5-5.5 महीना खत्म हो चुका है, अभी तक FCI का रिजल्ट अभी तक आया क्यों नहीं है। ये स्टूडेंट फरमाइश के परिवार से मैं अकेला नहीं, ढेर सारे जो मेरे मित्र लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन तो देना चाहिए, एक शॉर्ट नोटिस देना चाहिए कि दिक्कत क्या है, कब तक आप रिजल्ट अपलोड करोगे। और ऐसा नहीं होता कि आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया और बच्चों को भूल गए। हम भी समझते हैं, अगर कुछ इश्यूज़ है तो यू शुड कम अप विद द नोटिस, यू शुड कम अप विद द शॉर्ट नोटिस टेलिंग द स्टूडेंट्स दैट यस, दिस आर द प्रॉब्लम्स एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू पब्लिश द रिजल्ट नाउ। तो आप एटलीस्ट डेट तो दे दीजिए। मुझे आज भी याद है, जब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था तब भी शायद उन्होंने डेट नहीं दिया था नोटिफिकेशन में, उन्होंने बोला था कि आप वेबसाइट पे टच में रहिए। फिर जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, वो तो ऑब्वियस बात है, कोई एग्जामिनेशन डेट देता नहीं है, तो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था जुलाई 8 को और तुरंत मेंस एग्जामिनेशन आपने करवा दिया। लेकिन आज 5-5.5 महीने के इंतजार के बाद भी आपका रिजल्ट आपने क्यों पब्लिश नहीं किया है, सबसे बड़ा सवाल है। तो हम कर क्या सकते हैं दोस्तों, जो आप नोटिफिकेशन जो थंबनेल में आपने देखा है कि हमने एक चीज़ बोला है कि लेटेस्ट अपडेट, तो अपडेट ये है कि हम एक पिटीशन फाइल करते हैं, पिटीशन यानी साइन पिटीशन, ऑनलाइन पिटीशन फाइल करेंगे। और अगर आपके पास ट्विटर है, मेरे पास तो ट्विटर नहीं है, कोई भी एक सब्सक्राइबर मुझे टेलीग्राम चैनल पे लिखिए कि ये फलाना है हमारा ट्विटर और हम वहाँ पे ट्वीट करेंगे उनका, शायद मैं देख रहा था वहाँ पे भी लिखेंगे और वहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वहाँ पे भी लिखेंगे, ये हमारा हक है। अगर आपने एग्जामिनेशन करवाया है तो ये हमारा हक है कि हम भी उसका रिजल्ट जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने चुप रह गए और 5.5 महीने के बाद, या साल खत्म हो गया, 2020 खत्म हो गया, आपने साल के शुरुआत 2019 से किया था, फरवरी कितना था वो, फरवरी 28 को निकाला था और साल का अंत हो गया, आपने अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं निकाला है, गॉड नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन हमारा जो काम है वो साइन पिटीशन करेंगे, ऑनलाइन पिटीशन करेंगे, जितने लोग वहां पे हिस्सा होंगे और उसी को हम ट्विटर में डाल देंगे कि हम लोग बोलेंगे कितने लोग इच्छुक हैं। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग जानना चाहते हैं अपने रिजल्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब आखिर, लव यू, अपना शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वो जो पिटीशन वाला है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मैं ना भी कर पाऊं, मैं ट्राई करूंगा कि डालने का, अगर मैं ना भी कर पाऊं तो कोई भी एक बंदा करता है तो उसका लिंक मुझे भेज दीजिए, मैं डेफिनेटली नीचे डाल दूंगा, वहां पे आप जाके अपना पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। और दूसरी बात है यार, छोटे छोटे वीडियो पे हम, छोटे छोटे नोटिस पे हम वीडियो नहीं बना सकते, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना ही पड़ेगा बॉस, स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा ईयरली टेस्ट सीरीज है, हमारा 349 रुपीज का प्राइवेट टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल पे एक बैच चल रहा है जहां पे हमने टारगेट अभी दिया है, चल रहा है अभी टारगेट डेटा इंटरप्रिटेशन का। कहां हो आप, इंतजार है आप सभी का। तीसरा चीज है, अगर आप मेरा पर्सनल नंबर जानना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी मैंने डाल दिया अपना पर्सनल नंबर, मैं बात करता हूं, ऐसा नहीं कि बात नहीं करता। यस, आज थोड़ा सा बिजी था तो इसलिए मैंने जो नोटिस है LIC HFL रिजल्ट का, मैंने वो सिर्फ टेलीग्राम में डाल दिया था, राइट। चौथा चीज है दोस्तों कि आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, SFY_आशीष। आप ना भी फॉलो करें तब भी चलेगा, बट बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फॉलो करिएगा, ये काम की बात है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब आखिर। लेवल अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, शब आखिर, बाय।